बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। जेल में तबियत बिगड़ने के बाद गंभीर हालत में उन्हें दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार के बारे में जानकार लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि मुख्तार जैसा माफिया क्या वाकई एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखता था। कौन था मुख्तार अंसारी, आइए आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और माँ का नाम बेगम रबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता से लड़े। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में सक्रिय रहे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगे। एक मामले की सुनवाई के लिए मुख्तार अंसारी को यूपी से बांदा जेल से पंजाब के रोपड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद वो लंबे समय तक वही था। यूपी में बीजेपी सरकार बन जाने के बाद मुख्तार वापस नहीं आना चाहता। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ हरियाणा के रास्ते आगरा इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया था, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया था, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। फिर एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। कुछ लोगों के लिए रोबिन हुड वाली छवि थी मुख्तार अंसारी की। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा था, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता तो गरीबों में बांटता भी था। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया था। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। पूर्वांचल के इलाके में टूटी बोलती थी। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला ये विधायक आज भले ही दुनिया से चल बसा हो, लेकिन मऊ और उसके इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। कभी वक्त था जब पूरा सुबह मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश के हर बड़ी पार्टी में शामिल है। मुख्तार अंसारी 24 साल तक लगातार यूपी के विधानसभा पहुंचता रहा, लेकिन उसके परिवार का गौरवशाली इतिहास भी है। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार सिर्फ डर की वजह से ही नहीं बल्कि काम की वजह से। इलाके के गरीब गुरबों में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और है, और वो है इस खानदान का गौरवशाली इतिहास। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है, वैसे शायद पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीब माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर। उनके नाना भी नौशेरा युद्ध के नायक रहे थे। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र से विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। पिता थे बड़े नेता तो चाचा रहे उपराष्ट्रपति। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया था। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरा था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिसने अपने परिवार की शानदार विरासत पर पैबंद लगा दिया। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी हो। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉट गन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है।
लेकिन अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राजनीतिक करियर के बारे में आपको बता देते हैं मुख्तार अंसारी के। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी तीन चुनाव उस देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते थे। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली। बीजेपी के विधायक से थी पुरानी अदावत और जिसके बदले इतना सब कुछ हो गया। सियासी अदावत से मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और उस साल 2002 जिसने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर मोहम्मदाबाद सीट छीन ली। कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी।